याकूब का पत्र याकूब अध्याय एक। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की तरफ से उन 12 गोत्रों को जो जगह जगह फैले हुए हैं शांति। हे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरी खुशी की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज की शुरुआत होती है। लेकिन धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी तरह की कमी ना रहे। अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, उसे मिलेगी। वही हैं जो सबको बिना किसी नाराजगी के उदारता से बुद्धि देते हैं, लेकिन बिना शक किए हुए विश्वास से मांगे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की तरह है जो हवा से बहती और उछलती रहती है। शक्की इंसान यह न समझे कि उसे प्रभु कुछ देंगे। ऐसा व्यक्ति शक्की होने की वजह से अपने सारे जीवन में डावाडोल रहता है। निम्न स्तर पर रहने वाला मसीही अपने ऊंचे पद के लिए खुश रहे। जिस तरह से घास का फूल मुरझा जाता है, अमीर आदमी की भी वही हालत होती है। जैसे ही सूरज अपनी तेज गर्मी के साथ उदय होता है, वो घास को सुखा देता है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरह अमीर आदमी भी अपने रास्ते पर चलते चलते और अपने तरीके से जिंदगी बिताते हुए एक दिन खत्म हो जाएगा। वो इंसान सच में आशीषित है जो परीक्षा में टिका रहता है, क्योंकि खरा निकलने पर वो जिंदगी का वो मुकुट पाएगा जिसका वायदा यीशु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। बुरी बातों में परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं और ना ही वे किसी की परीक्षा लेते हैं। हर इंसान अपनी वासना में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर वासना गर्भवती होकर पाप को पैदा करती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत तक पहुंचाता है। हे मेरे भाइयों बहनों, गुमराह मत हो जाना। हर एक अच्छा और उत्तम इनाम आसमान की ज्योतियों को बनाने वाले परमेश्वर की ओर से है और वे ना बदलने वाले हैं। परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से सच्चे वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया ताकि हम उनकी बनाई गई सभी चीजों में से एक तरह से पहले फल हों। हे भाइयों बहनों, ये तुम्हें मालूम है, इसलिए हर एक इंसान सुनने में दिलचस्पी दिखाने वाला और बोलने में धीमा और गुस्से में धीमा हो, इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर की निगाह में ठीक है वे सब तुम्हारे गुस्से में नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो बुराई और सड़ाहट है उसे दूर करके उस संदेश को नम्रता से अपनाते जाओ जो तुम्हारे मनों में बोया जाता है। ये संदेश तुम्हारे प्राण के विकास में मददगार साबित हो सकता है। बाइबल से सीखी बातों के अनुसार किया करो, सुनकर उसके हिसाब से ना करने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन की बातों का सुनने वाला है और वैसा करने वाला नहीं, वह उस इंसान की तरह है जो अपना चेहरा शीशे में देखता है और देखकर चले जाने के बाद वह भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था। लेकिन जो इंसान परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार करना भूलता नहीं, उसके काम का परिणाम फायदेमंद होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक समझता है लेकिन अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता तो वह धोखे में है और उसका धार्मिकपन बेकार है। हमारे परमेश्वर पिता की निगाह में शुद्ध स्थायी धार्मिकपन यह है कि अनाथों और विधवाओं की परेशानियों में उनकी मदद करें और दुनिया के भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाएं। याकूब अध्याय दो। मेरे भाइयों बहनों, महान प्रभु यीशु के अनुयायी होने के कारण किसी के साथ पक्षपात ना करो। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारी सभा में एक व्यक्ति महंगे कपड़े और गहने पहनकर और दूसरा गरीब फटे हाल आता है। यदि तुम अमीर व्यक्ति को बैठने की अच्छी जगह और सम्मान देते हो लेकिन गरीब को नीचे बैठने को या खड़ा रहने को कहते हो या कहते हो कि यहां मेरे पांव के पास बैठो, तो क्या
इससे साफ साफ पक्षपात नहीं दिखता है कि तुम्हारे विचार कितने खराब हैं? मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, क्या इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ने विश्वास में अमीर होने के लिए और प्रतिज्ञा किए हुए राज्य के वारिस होने के लिए नहीं चुना है? इसके बावजूद तुम गरीबों की बेइज्जती करते हो। क्या अमीर लोग तुम्हारा शोषण नहीं करते हैं? क्या वे ही तुम्हें अदालत तक घसीट कर नहीं ले जाते हैं? क्या जिस महान यीशु के नाम से तुम कहलाते हो उन्हीं की निंदा वे नहीं करते हैं? हाँ, ये सच है कि जब बाइबल की इस महान आज्ञा का शाही आदेश कि दूसरों से अपने बराबर प्रेम करो का पालन तुम सच में करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम पक्षपात करते हो तो गुनाह करते हो और व्यवस्था तुम्हें गुनहगार ठहराती है। वो इंसान जो एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन करता है उस इंसान की तरह है जिसने पूरी आज्ञाओं को नहीं माना है। वही परमेश्वर जिसने कहा था व्यभिचार मत करना, यह भी कहा है कि खून मत करना। इसलिए यदि तुमने किसी का खून कर डाला है लेकिन व्यभिचार नहीं किया है तो भी तुमने संपूर्ण आज्ञाओं को तोड़ डाला है। इसलिए जब कभी तुम कुछ कहते हो या करते हो यह याद रखना कि तुम्हारा इंसाफ प्रेम के उस नियम से होगा जो तुम्हें बरी करता है। इसलिए यदि तुम दूसरों पर दया नहीं दिखाते हो तुम पर भी दया नहीं की जाएगी। यदि तुम दूसरों के प्रति दयालु रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ दिए गए परमेश्वर के फैसले के ऊपर परमेश्वर की दया की जीत होगी। प्यारे भाइयों बहनों, यदि तुम अपने कामों से अपने विश्वास का सबूत न दो तो तुम्हारे विश्वास के दावे की क्या कीमत? उस तरह के विश्वास से किसी को कुछ फायदा नहीं हो सकता। मान लो कि किसी भाई या बहन के यहाँ खाने और कपड़े की किल्लत है और तुम उनसे कहते हो अपना ख्याल रखना, जाओ परमेश्वर तुम्हें आशीष दें, अपनी देखभाल ठीक से करना, लेकिन उनको खाना और कपड़ा ना दो तो ऐसे विश्वास से क्या फायदा? देखा तुमने कि सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं है। जिस विश्वास के साथ काम जुड़े हुए नहीं हैं वह विश्वास नहीं कहलाया जाएगा, वह बेकार और मरा हुआ है। कोई कह सकता है तुम्हारे पास सिर्फ विश्वास है लेकिन मैं कर्म को ज्यादा मानता हूं, तुम बगैर कर्म के अपना विश्वास दिखाओ, मैं अपने कर्म से अपना विश्वास दिखाऊंगा। क्या अभी तक तुम ये समझते हो कि एक परमेश्वर पर मात्र विश्वास काफी है? कौन सी बड़ी बात है, दुष्ट आत्मा भी ऐसा करती हैं और डर से कांपती हैं। बेवकूफ, तुम ये कब सीखोगे कि वह विश्वास बेकार है जिसके साथ अच्छे काम नहीं हैं? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पूर्वज अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तभी परमेश्वर की दृष्टि में खरा ठहराया गया? देखो, उसका परमेश्वर पर इतना भरोसा था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा वह सब करने के लिए तैयार हो गया। उसके विश्वास को तभी पूरा माना गया जब उसने वह किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। इसलिए जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी होने का ऐलान किया, यहां तक कि उसे परमेश्वर का दोस्त कहा गया। इसलिए तुम देखो कि हम मात्र अपने विश्वास के द्वारा नहीं लेकिन जो कुछ करते हैं उसकी वजह से परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में लाए जाते हैं। वैश्या राहब इस सच्चाई का एक और सबूत है। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता उसके कर्मों के द्वारा सुधर गया जब उसने उन भेदियों को दूसरे रास्ते से सुरक्षित वापस लौटा दिया। जिस तरह से बिना आत्मा के देह मरी हुई है वैसे ही बिना कामों के विश्वास भी मरा हुआ है। याकूब अध्याय 3। प्रिय भाइयों बहनों, चर्च में ज्यादा लोगों को शिक्षक नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम सिखाने वालों के साथ परमेश्वर ज्यादा सख्ती के साथ पेश आएंगे। हम सभी बहुत गलतियां करते हैं लेकिन जो इंसान अपनी जुबान को वश में कर सकता है खरा मनुष्य है और हर दायरे में अपने आप को वश में कर सकता है।
एक छोटी सी लगाम को घोड़े के मुंह में लगाकर हम जहां चाहें उसे ले जा सकते हैं। चाहे हवा कितनी तेज क्यों ना हो, एक छोटी सी पतवार से एक माझी एक बड़े जहाज को कहीं भी मोड़ सकता है। जीभ हालांकि छोटा सा अंग है, लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी ला सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। जीभ आग की एक लपट है, यह दुष्टता से भरी है जो तुम्हारे पूरे जीवन को नाश कर सकती है। यह तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा को बर्बादी की धधकती लपटों में बदल सकती है, क्योंकि वह खुद नरक से सुलगाई जाती है। सब तरह के जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जीव और मछलियों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जीव को वश में कोई नहीं कर सकता। यह अनियंत्रित बुराई है जिसमें खतरनाक जहर भरा हुआ है। कभी कभी यह हमारे प्रभु और पिता की बड़ाई करती है, और कभी परमेश्वर की समानता में बनाए गए लोगों के खिलाफ जहर उगलती है। इसलिए आशीष और श्राप एक ही मुंह से उमड़ कर बाहर आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यह बिल्कुल सही नहीं है। क्या पानी के एक झरने में से मीठा और खारा दोनों तरह का पानी निकलता है? क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और अंगूर की बेल में अंजीर निकलते हैं? नहीं, ना ही मीठा पानी नमकीन झरने से निकलता है। यदि तुम बुद्धिमान हो और परमेश्वर के तौर तरीकों को समझते हो, तो भलाई के जीवन को बना रहने दो, ताकि सिर्फ अच्छे काम किए जाएं, और बिना डींग मारे इन कामों को करने में सच्ची बुद्धिमानी है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ में कामना है, तो घमंडी होकर सच्चाई का मखौल मत करवाना। ऐसी बुद्धि का स्रोत परमेश्वर नहीं है, यह दुनियावी है, शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा है, वहीं सब तरह की गड़बड़ी और बुराई है। लेकिन जो बुद्धि परमेश्वरीय है, वे पवित्र, मिलनसार, कोमल, दूसरों की अधीनता स्वीकार करने वाली है। ये दया और अच्छे काम से भरी है। इसमें कभी पक्षपात नहीं है, ईमानदारी है। जो लोग मेल करवाते हैं, वे शांति बोते हैं और भलाई की फसल काटते हैं। याकूब अध्याय 4। तुम्हारे बीच लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या तुम्हारे भीतर बुरी इच्छाओं के संघर्ष के कारण से नहीं? तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और लालच करते हो और जो चाहते हो वे हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए दूसरों से छीनना झपटी करते हो। तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर से मांगते नहीं हो। मांगने पर पाते इसलिए नहीं हो, क्योंकि गलत इरादे से मांगते हो, ताकि सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करो। हे वे विचारी लोगों, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस दुनिया की दोस्ती तुम्हें परमेश्वर का दुश्मन बनाती है? मैं फिर कहता हूं कि यदि तुम्हारा मकसद इस दुनिया का मजा लूटना है, तुम परमेश्वर के दोस्त नहीं हो सकते। क्या तुम बाइबल में लिखी इस बात को बेकार समझते हो? परमेश्वर, जिसने हमारे भीतर पवित्र आत्मा को रखा है, इस बात के लिए लालायित रहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। बुरी इच्छाओं का डटकर मुकाबला करने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह देते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, परमेश्वर घमंडी इंसान का मुकाबला करते हैं, लेकिन नम्र पर कृपा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रति अधीन बन जाओ, शैतान का मुकाबला करो और वह तुम्हारे पास से भाग खड़ा होगा। परमेश्वर की नजदीकी हासिल करो, तुम्हें भी उनकी नजदीकी का अनुभव हो जाएगा। गुनेगारों, अपने हाथों को शुद्ध करो। दो मन वालों, अपने मन को पवित्र करो। दुखी हो, विलाप करो और रो, तुम्हारी हंसी रोने में बदल जाए और खुशी निराशा में। परमेश्वर की निगाह में अपने आप को नम्र करो, तो वह तुम्हें आदर देंगे। एक दूसरे की बुराई मत करो। जो अपने भाई बहन के खिलाफ बोलता है और दोष लगाता है, वह परमेश्वरीय नियम की बदनामी करता है। यदि तुम परमेश्वरीय नियम पर दोष लगाते हो, तो नियम पर चलने वाले नहीं, लेकिन उसको दोषी ठहराने वाले होगे।
नियम देने वाले एक ही हैं, जिन्हें बचाने और बर्बाद करने का अधिकार है। तुम किसी को अपराधी ठहराने वाले कौन हो? तुम जो कहते हो कि इन्हीं दिनों में और आने वाले दिनों में हम किसी दूसरे शहर जाकर एक साल व्यापार करके कुछ कमाएंगे, सच्चाई तो यह है कि तुम्हें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? यह भाप की तरह है, कुछ पल दिखती है फिर गायब हो जाती है। इसके बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर यीशु चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। लेकिन तुम तो अपनी योजनाओं के सिलसिले में घमंड करते हो। हर तरह का घमंड बुरा है। इसलिए जो भलाई करना जानता है लेकिन करता नहीं, यह गुनाह है। याकूब अध्याय 5। हे अमीर लोगों, सुनो, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे ऊपर जो भयंकर परेशानियां आने वाली हैं उनकी वजह से रो और विलाप करो। तुम्हारी दौलत बर्बाद हो गई और तुम्हारे कपड़े कीड़े खा गए। तुम्हारा सोना चांदी खराब हो चुका है। उसका खराब होना ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। वही तुम्हारी देह को खा डालेगी। जो खजाना तुमने इकट्ठा कर लिया है, इंसाफ के दिन वही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारी फसल काटी, उनकी मजदूरी तुमने हत्या ली। उनकी मजदूरी तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रही है। फसल काटने वालों की पुकार सर्वशक्तिमान प्रभु के कान तक पहुंच चुकी है। इस पृथ्वी पर तुमने अपनी हर एक इच्छा को पूरा करने और विलासिता में अपना जीवन गंवा दिया। तुमने अपने मन को वध के दिन के लिए मोटा ताजा कर लिया है। जो लोग अपना बचाव खुद नहीं कर सकते थे, उन लोगों को तुमने दोषी ठहराया और मार भी डाला। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के आने तक धीरज रखो। देखो, किसान जमीन की कीमती उपज के लिए तब तक धीरज के साथ इंतजार करता है जब तक वो शुरू की और आखिरी बारिश नहीं देख लेता है। इसलिए कि यीशु का आना नजदीक है, तुम भी धीरज रखने के साथ अपने मन में मजबूत रहो। एक दूसरे के खिलाफ मत कुड़कुड़ाओ, नहीं तो परमेश्वर भी तुम्हें सजा देंगे। देखो, जज दरवाजे पर ही खड़े हैं। मेरे भाइयों बहनों, धीरज से दुख उठाने के संबंध में उन नबियों को याद करो जिन्होंने प्रभु की तरफ से चेतावनी दी थी। उन लोगों को हम काफी आदर देते हैं जो धीरज से सहते रहते हैं। धीरज से सहने वालों में अय्यूब एक नमूना है। उसके अनुभव से हम सीखते हैं कि परमेश्वर की योजना का अंत किस तरह से भलाई में होता है, इसलिए कि प्रभु कोमल हैं और कृपालु भी। मेरे भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा यह कि ना तो स्वर्ग, ना धरती और ना किसी और की कसम खाओ। साफ साफ हां कहो या नहीं, ताकि तुमसे गुनाह ना हो और सजा से बच सको। क्या तुम में से कोई दुखों में से होकर गुजर रहा है? वह परमेश्वर से कहे। क्या कोई खुश है? वह भजन गाए। क्या तुम में से कोई बीमार है? वह चर्च के बुजुर्ग अगुओं को बुलाए। वह तेल मलकर यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास में की गई उनकी प्रार्थना से बीमार ठीक हो जाएगा। यीशु उसे उठा खड़ा करेंगे और अगर उसने गुनाह भी किए हों, वे माफ किए जाएंगे। दूसरों के विरोध में किए गए गुनाहों को मान लो। एक दूसरे के लिए परमेश्वर से मांगो ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ। पाप क्षमा प्राप्त व्यक्ति की प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। एलिया भी तो हमारी तरह एक इंसान था। उसने लौ लगाकर मांगा कि बरसात ना हो और ऐसा ही हुआ। लगभग 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। जब फिर से उसने प्रार्थना की तो बारिश हुई और उपज भी। भाइयों बहनों, यदि तुम में से कोई सच्चाई से बहक जाता है और दूसरा कोई उसे वापस रास्ते पर ले आता है, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए को वापस लाता है, वह उसकी आत्मा को मौत से बचाता है और असंख्य गुनाहों को ढांपता है।